एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हैं? व्हाई नॉट, कम ऑन। थैंक यू। वैसे आप करते क्या हैं? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ओके, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है। अच्छा, और आपका? जी, मेरा नाम सोनिया है। अच्छा नाम है। थैंक यू। ओके ओके ओके, आ गया मेरा घर। ओके ओके, बस यहीं रोक दो। अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9822334455। बाय बाय, सी यू। बाय। ये सोनिया किसकी कार में आई है? हाय बेटा। कौन था वो लड़का? माँ, उसका नाम कबीर है। अच्छा, मैं उसे ट्यूशन लेना चाहती हूँ। ओह, ठीक है, एक काम करो। हुँ? कल तुम उसे 1 बजे बुला, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। ओके मॉम, थैंक यू। हेलो। हेलो कबीर सर। हाँ बोलो सोनिया। सर, मुझे आपसे ट्यूशन लेना था। हाँ? मेरी मम्मी को आपसे मिलना है। ठीक है, मैं कल दोपहर में 1 बजे आता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। चलो बाय बाय। माँ वो कल 1 बजे आने के लिए तैयार हैं। ठीक है। कौन? मैं कबीर। ओह, सोनिया ने मुझे बुलाया है। अच्छा अच्छा, सोनिया ने मुझे बताया था। कबीर जी, अंदर आइए। ओके सर, प्लीज प्लीज रिसीव माय फोन। सर प्लीज फोन उठाइए ना, पता नहीं सर कहाँ चले गए। अरे सोनिया। हाँ? इतने दिनों बाद आई, कहाँ गई थी? अरे कहीं नहीं यार, बस यही थी। और बता, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? कुछ नहीं यार। रिया, तुझे पता है मैंने एक सर रखा है जो मुझे प्राइवेट ट्यूशन देगा। अच्छा, कौन है वो? भाई मिस्टर कबीर, जो पहले अपने कॉलेज में पढ़ाया करते थे। बात है, अभी तक बेटी आई नहीं। देखो सोनिया, आज हमारा पहला दिन है तो हम चैप्टर 4 से शुरू करते हैं। ओके। बट सर, मुझे 1-4 चैप्टर तो आता है, मुझे 4 के आगे पढ़ाइए ना। सोनिया, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो आज की पढ़ाई हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है? ओके सर। बाय बाय सर। मुझे लगता है इससे ही अपने जाल में फंसाना पड़ेगा, तभी मेरा काम बन पाएगा। मेरी सौतेली माँ को ठिकाने लगा सके तभी मैं जायदाद की मालकिन बन सकूंगी। Thank you.
बोलो सोनिया। हेलो सर, सर आप मेरे घर पर आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ, ऑन द वे। हाय सोनिया, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? जी नहीं, बस आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों, माँ घर पे नहीं है क्या? मॉम कहीं बाहर गई है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो जल्दी करो ना। क्या बक रही हो, मैं पढ़ाई करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर, आज पढ़ाई करने का मूड नहीं है। तो फिर क्या करने का मूड है तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, अरे सर, अरे क्या कर रहे हैं आप? हमने कोई गलती नहीं की है आपने। अरे हमें छोड़ दीजिए। कोई समझाओ ना उस इंस्पेक्टर को। ए, चुप बैठ। सोनिया, सोनिया क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे, बता मुझे। सोनिया, क्या हुआ तुझे? मम्मी, कबीर ने मेरा रेप कर दिया। क्या? इंस्पेक्टर साहब, मुझे FIR दर्ज करवाना है। बैठिए, कहिए क्या लिखवाना है। मेरी बेटी का रेप हुआ है और मिस्टर कबीर ने मेरी बेटी का रेप किया है। ये कबीर कौन है? वो मेरी बेटी को ट्यूशन देता था और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने मेरी बेटी का रेप कर दिया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। देखिए मैडम, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मगर मुझे आपकी बेटी से अकेले में बात करनी होगी। जी ठीक है। सोनिया, इंस्पेक्टर साहब जो भी पूछे उसका सही जवाब देना, सब कुछ बताना। मैं बाहर खड़ी हूँ। ठीक है, चल। देखो सोनिया, ये बड़ा सीरियस मामला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब सच बताओ कि तुम्हारे और कबीर के बीच क्या क्या हुआ। उसने सबसे पहले मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। मैंने सब कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उसे उस तरह का इंसान समझती ही नहीं थी। फिर उसने मेरे पीछे हाथ की, मगर वो नहीं माना और मुझे पकड़ लिया। और फिर मैंने उसे बहुत छुड़ाने की कोशिश की, पर वो तुमने लड़ने या भागने की कोशिश नहीं की? उसने मेरे दोनों हाथ पीछे मोड़ रखे थे और मुझे कह रहा था, करने दो, मुझे रोको मत, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ट्यूशन लेना बंद कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं यार। अब बस एक ही स्टूडेंट बचा है मेरे पास। कबीर, तुझे पता है कि सोनिया तेरे खिलाफ रेप केस दर्ज करने गई है? और तुझे पता है सोनिया की माँ बहुत पैसे वाली है, वो अभी तक तुझे जेल भेजने का बंदोबस्त भी कर चुकी होगी। पता है यार मुझे, लेकिन मैं निर्दोष हूँ यार, पता नहीं कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं, या अब बस तेरा ही सहारा है। मेरे सहारे से क्या होगा, तुझे बस एक अच्छे वकील की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कंप्लेंट लिखाई थी उसका क्या हुआ? मैंने कबीर को बुलाया है। मेरी बेटी का रेप हुआ है और अभी तक आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, कब पकड़ेंगे आप मुजरिम को? हम अपना काम कर रहे हैं। मगर इसके लिए इतना टाइम, मैं जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैडम, आप पैसे की बात मत करिए, देखिए हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। ठीक है सोनिया, तुम बिल्कुल मत घबराना, इंस्पेक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं अभी बाहर से आती हूँ। ठीक है, ओके ओके। देखो सोनिया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें कौन तंग कर रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे सजा दिलवाऊं। वो मुझे फोन करके धमकी दे रहा था, कभी कभी वो किसी लड़के से फोन करवा के ये केस वापस लेने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं क्या करूं सर, वो हमेशा मुझ पर दबाव डालता कि मैं ये केस वापस ले लूं। मैं बहुत डर गई हूँ सर, बहुत। उसने मुझे जान से मार डालने की भी धमकी दी है सर। अब आप ये कुछ कीजिए सर, मैं बहुत। जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ राणे, शायद तुम्हें फिजिकल एविडेंस से कुछ मिल जाए। सर, शायद फिजिकल एविडेंस ना मिले,
हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें राणे? सर मैं कबीर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत सारी लड़कियों ने उस पर कोशिश की है और शायद इसको उसने मना कर दिया और ये उसे बदला लेना चाहती है। राणे तुम दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हो। कल हम जाएंगे और सोनिया के पड़ोसी और दोस्तों से पूछताछ करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस्टर कबीर, आइए बैठिए आराम से। थैंक यू सर। अब ये बताओ कबीर, तुम मेरे पास क्यों आए हो? सर बात दरअसल यह है कि सोनिया नाम की एक स्टूडेंट है, उसने मेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया है। मतलब रीटा कपूर की बेटी सोनिया कपूर? बड़ी मुश्किल में हूं सर मैं। पहले आप मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। कहां से शुरू करूं सर, समझ में नहीं आ रहा है। तुम उस लड़की को कब से जानते हो ये बताओ। उस लड़की ने एक बार मुझसे लिफ्ट मांगी थी और मैंने उसे उसके घर तक ड्रॉप किया था। फिर उसने मुझसे कहा था कि घर पे आके ट्यूशन देना। लेकिन सर मेरे और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है सर। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए मिस्टर कबीर, फीस की कोई बात नहीं है लेकिन ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग मेहता जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कबीर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर कल मैं आपके बॉस से मिला लेकिन उन्होंने मेरा केस लेने से मना कर दिया है सर। प्लीज सर आप कोशिश कीजिए। ठीक है, जहां तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। जी सर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं सर। आप मुझे पूरी डिटेल में बताइए। क्या करूं सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है कबीर, इसके बारे में मैं अपने बॉस से बात करता हूं। सर मैं आपके बॉस से बात कर चुका हूं लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बस अब आपसे ही उम्मीद है सर, आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। अपने बॉस को मना लीजिए सर। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस काम के लिए अपने बॉस को मना लूंगा। ओके सर, मुझे बड़ी खुशी होगी सर, आपकी जो फीस होगी मैं दूंगा। क्या बे, बहुत लौंडियाबाजी करता है। अरे ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ? जब हालात ही खराब हो तो सर की क्या बात है। कहीं तुम्हारी ये हालत सोनिया की माने तो नहीं की? पता नहीं यार। एक बात बताओ मिस्टर कबीर, एक साल पहले सोनिया कपूर के डैड ने जब सुसाइड किया था तब सोनिया कपूर नशे की हालत में होटल में पाई गई थी। आपको क्या लगता है सोनिया कपूर का स्टेटमेंट पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं लिया? मुझे लगता है कि जो सबूत वो लोग कोर्ट में पेश करना चाहते हैं वो सबूत उन्हें कभी नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए। राणे मुझे अभी किसी किरण नाम की लड़की का फोन आया था, वो हमें कबीर के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर फिर हमें अभी निकलना चाहिए। हाय कबीर। हेलो सर। तुम्हारे सर पर चोट कैसे लग गई? कल किसी ने हमला कर दिया था सर, उसकी वजह से चोट लग गई। तुम्हें क्या लगता है कहीं ये सोनिया ने तो नहीं करवाया? क्या मालूम सर। मुझे तो ऐसा लगता है मिस्टर कबीर, ये काम हो ना हो उस सोनिया का ही लगता है। इस बारे में कुछ सोचो मिस्टर कबीर। वो किसी होटल में नशे की हालत में धुत पाई गई, तुम ए ग्रेड के टीचर और वो तुम्हारी स्टूडेंट। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं मिस्टर कबीर, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। एक्सक्यूज मी। जी आप कौन? जी आपने मुझे फोन किया था कबीर के बारे में कुछ बताने के लिए। जी कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया क्या? अभी तक तो नहीं किया जी गया। हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे नशे की आदत थी। एक दिन मैं घर जा रही थी तो कबीर मुझे रास्ते में मिला। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और उन्होंने मुझे घर तक छोड़ भी दिया। पर ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? ये तो तुम्हें पहले ही कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। उसी वक्त मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की थी पर मेरे नशे की लत की वजह से कोई मेरा यकीन नहीं करता था।
मेरे ही घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सर। और हो सकता है कि आपको कोर्ट में भी आना पड़े। अब आएगा खेल में मजा। राणे, क्या आप भी तुम्हें लगता है कि कबीर निर्दोष है? कुछ भी कहना मुश्किल है सर। आज का मुकदमा शुरू किया जाए। जज साहब, ये जो मेरे मुवक्किल मिस्टर कबीर हैं, इनका कहना है कि इन पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। मिस सोनिया, आपका और मिस्टर कबीर का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। चीयर्स। मिस्टर कबीर, अब तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो गई, अब क्यों उदास बैठे हो? खुश तो हूँ मेहता साहब, लेकिन सोच रहा हूँ क्या करूँ। सारे स्टूडेंट्स ने ट्यूशन छोड़ दिया है। टेंशन मत लो कबीर, अब हम सोनिया कपूर के ऊपर केस करेंगे। क्या केस करना जरूरी है? पैसा कमाने का इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं है। ये तूने क्या किया सोनिया? जरा भी नाम की परवाह नहीं की, तूने अपनी इज्जत खराब कर दी। माँ, अब बकवास बंद करो और वकील से पूछो कि वो मुझे कैसे बचाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। वो क्या? कबीर को पैसा देकर कम्प्रोमाइज कर लो, तभी बात बनेगी। जरा तमीज से पेश आइए मैडम। अगर मेरे मुवक्किल ने कॉम्प्रोमाइज ठुकरा दिया तो आपकी बेटी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस कॉम्प्रोमाइज की कीमत है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, इनकी जो भी रकम है मुझे मंजूर है। मैडम, यह तो अच्छा हुआ कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गया। वकील साहब, आप इनसे कहिए इनका अकाउंट नंबर दे दीजिए और मामला ले दे के यहीं खत्म कर दीजिए। मैडम, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैं मेरे मुवक्किल का अकाउंट नंबर आपको देता हूँ, आप उसमें पैसे ट्रांसफर कर दें। इसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं आपको वक्त देता हूँ, 1 हफ्ते का। ठीक है, हमें मंजूर है। ओके, मंजूर है। लगता है मेरी भी किस्मत खुलने वाली। तो इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई, इसे मिल क्यों रही है? देखता हूँ चक्कर क्या है। तो मेरी माँ के पैसे तुम्हारे पास हैं? कितने पैसे हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुमने कितने प्यार से बुद्धू बनाया मेरी माँ को, अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी मेरे बाप के पैसों के लिए। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पहले ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। कबीर,
तो 90 करोड़ रुपए 3 लोगों में बांटा जाए तो कितना होता है? क्यों कबीर? तुम्हें क्या ऐसा मजाक लग रहा है? तुम क्या सोच रही हो, सब कुछ खत्म हो गया? अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, एंड आई एम सीरियस। अब हम नहीं मिलेंगे सर, उन्होंने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो कबीर? हाँ सर, उन तीनों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। तीनों? कबीर, किरण और सोनिया। और सोनिया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि सर, जब तक वो 21 साल की नहीं होगी तब तक वो अपने बाप का 25 लाख से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया? हाँ सर, मैंने उसका अकाउंट भी चेक किया, कबीर का। उसके अकाउंट में करीब 90 करोड़ रुपए हैं। उसने गोवा में एक प्लॉट भी लिया है और उसने अपनी कार की डाउन पेमेंट भी की है। राणे, तुमने बिल्कुल सच कहा था, इन तीनों ने मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है। तो सर, हम उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो लोग किरण को भी रास्ते से हटा देंगे और सारे पैसे कबीर और सोनिया बांट लेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आप और यहाँ? इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ। किस बारे में सर? यही कि तुमने कबीर और किरण को करोड़पति कैसे बनाया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बोलो सोनिया, सही कहा ना मैंने? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। कुछ तो दाल में काला है, मुझे इसका पीछा करके हकीकत का पता लगाना ही होगा। आप और यहाँ? तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बकवास बंद करो प्लीज। तुम्हारे दोस्त कबीर ने गोवा में घर और गाड़ी खरीदी है और सारे पैसे एक अननोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कबीर और सोनिया तुम्हारे साथ पैसे बांटेंगे? मेरे ख्याल से तुम्हें उन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। तुम बकवास कर रहे हो। एक से भले दो होते हैं, लेकिन जब तीसरा आता है तो काम बिगड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा जेल जाओ किरण। सही तो नहीं बोल रहा, अभी पता करती हूँ। हाय सोनिया। हाय, कैसी हो? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अरे यार, मैंने सुना कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या बात है? कुछ नहीं यार, कल वो कबीर धमकी दे रहा था। क्या, सच में? सच में यार। अरे यार किरण, क्या करूँ मैं, बोलना। अरे यार, कुछ उल्टा तो नहीं करेगा ना वो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कल हम लोग स्विमिंग पूल में मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाय। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तो किरण बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा किस पे भरोसा करूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हेलो सोनिया। मुझे किरण का फोन आया था। लेकिन वो अभी मेरे साथ है। समझाओ उसे, अगर उसने मुंह खोल दिया ना तो हम तीनों फंस जाएंगे। ठीक है, मैं समझाती हूँ। ओके। देखो किरण, हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो वो इंस्पेक्टर हमारी कब्र खोद देगा। वो मेरे पास भी आया था और हम तीनों के बारे में पूछ रहा था। पता है मुझे तुम बेवकूफ बना रही हो, और मुझे तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। नशा करते करते ना तेरे दिमाग में धुआं घुस गया है। से सतर्क रहना पड़ेगा।
कबीर तुमने शैंपेन की बोतल लाई या नहीं? Obviously, उसके बगैर हम ऐश कैसे करेंगे? हाय सोनिया, हाय कबीर, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मुझे लगता है कि हमको अभी नहीं मिलना चाहिए। अरे यार, मुझे तुम दोनों से मिलने का मन हो रहा था, इसलिए मिलने चला आया। अरे रे, मैं तो गाड़ी से ब्लैंकेट लाना भूल ही गई। चलो मैं लेकर आती हूँ। ओके। किरण की लाश को हम लोग यहीं ठिकाने लगा देते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुरक्षित जगह है। जब तक पुलिस ढूंढेगी हम कहीं और निकल चुके होंगे। हाँ रुकता, हे कौन है? कौन? इंस्पेक्टर, ऐसे किसी के घर में झांका नहीं करते। किरण 2 दिन से घर में नहीं आई है, तो मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि आई होप इसमें तुम्हारा हाथ ना हो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार सोनिया से इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। सर मैं कबीर के घर गया था। सर मैंने किरण और सोनिया के मदर के बारे में पूछताछ की, इससे वो घबरा गया, उसने मुझ पर गोली चला दी, तो मैंने अपने बचाव में गोली चलाई, वो मर गया सर। किससे पूछकर तुम कबीर के घर गए थे? क्या तुमने मेरी परमिशन ली थी? नो सर, मैं माफी चाहता हूँ। माफी की बात ही नहीं है, तुमने बिना किसी प्रूफ के कबीर को मार डाला है। यह भी कानून की नजर में एक तरह का मर्डर ही है। सर मगर मैं जानता हूँ कि कबीर ने ही किरण का खून किया है। राणे, कानून प्रूफ मांगता है जो तुम्हारे पास नहीं है। सॉरी राणे, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। वैसे राणे, इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर किसका हाथ है? लेकिन एक बार तुम्हें सोनिया से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूं। हाँ सोनिया, कल मैंने कबीर के वकील से बात की है, कल शाम को तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ओके। रात को 9 बजे बीच पर मिलना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, बाय।
भी मेरे रास्ते से हट जाएगा और मैं मालकिन बन जाऊंगी। किरण। हेलो। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ पता चला है, ये दोनों कुछ मोटी रकम बनाने वाले हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर आप कैसे भी करके इस मामले के तह तक पहुँच जाओ। करेक्ट टाइम पर आए हो तुम। पैसे के मामले में मैं कभी लेट नहीं होता। ओके वेरी गुड, ये लो तुम्हारा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय। तरह से मेरा मकसद पूरा हुआ। सबसे पहले मैंने कबीर को फंसाया और उस पर रेप का इल्जाम लगाया। उसके साथ मिलकर मैंने अपनी सौतेली माँ को मरवा दिया। उसके बाद कबीर, किरण और मैंने मिलकर मेरी माँ को मारकर इंस्पेक्टर को पैसे का लालच दिया और उसे भी फंसा लिया। एक एक करके मैंने सबको अपने रास्ते से हटा दिया और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और इस तरह से सारी दौलत की मालकिन मैं बन गई। मैं नहीं, मुझसे ही शायद कोई गलती हो गई है। नहीं, मुझसे ही कुछ गलती हो गई है। मैंने ही खामखा तानिया की बातों में आकर तुम पे शक किया। मुझे माफ करना माया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम भी यहाँ क्या करने आई हो? सोचो कॉलेज के लिए यहाँ कोई नई कहानी मिल जाएगी, इसलिए यहाँ मैं तुमसे मिलने चली आई। तुम सच में कितनी गिरी हुई हो। अच्छा तो बताओ कैसे फंसाया मिस्टर मित्तल को तुम्हारी माँ ने? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अपने दोस्तों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। पता है ना तू कहाँ से आई है? एक झोपड़पट्टी से। लेकिन अपने आप को अभी तक झोपड़पट्टी से निकाल ही नहीं पाई हो मिस माया। माया कहाँ हो तुम? आ गया कबाब में हड्डी। ए, अबे कब देगा? 15 दिन कर दे, कर दे, कितने 15 दिन निकल गए? दे देगा। अगर पैसा नहीं दिया ना तो ठोक दूंगा। हाँ दे देगा, 15 दिन में दे देगा। हाँ चल ठीक है, 15 दिन और दिया तेरे को, समझ ले। बोला ना दे देगा। मिलता हूँ 15 दिन के बाद। पापा? कुछ नहीं। वो आदमी कौन था? तुम्हें इन चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए। और सुनो, कल मैं बाहर जाने वाला हूँ, तुम अपना और पूरे घर का ख्याल रखना, ठीक है? ओके पापा, अब जब तक नहीं आएंगे मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगी। जाओ तुम सो जाओ, अपने रूम में जाओ। ओके।
मेरा आखिरी दिन है। यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि सोचा तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। क्यों, सही कहा ना मिस माया? चुप कर अपने बकवास बंद कर। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट हुआ था या कोई हादसा? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखो माया, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, तुम मुझे नहीं जानती। लेकिन ये मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और मुझे पता है कि उनकी मौत के पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। क्यों मिस माया? कोई साहब आया है? आ रही हूँ। यादव। यस सर। जरा उस खाड़ी में जाकर देखो। ठीक है सर। जरूर कुछ मिलेगा। ठीक है सर, ढूंढता हूँ। ये लो मेरा कार्ड। अच्छा तो तुम इंश्योरेंस एजेंट हो? अगर मैं इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ लगेगा ना। ऑफिसर हम दोनों एक ही टीम के हैं, आप मेरे साथी हो। नहीं, मैं एक केस जल्द से जल्द सुलझा कर अपने घर जाना चाहता हूँ, और तुम गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो। बिल्कुल नहीं ऑफिसर, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। बहुत आसान सी बात है, एक आदमी अपना कंट्रोल खो बैठा और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये कैसी आसान सी बात है? जो चीजें आसान से दिखती हैं वो होती नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऑफिसर। देखो ऑफिसर, ये कानून का मामला है, खामा खा तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सर क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं सर, कुछ गड़बड़ जरूर है। मिस्टर मित्तल की वसीयत के अनुसार जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक सिर्फ साल में 25 लाख रुपया ही आपको मिलेगा। क्या सिर्फ 25 लाख रुपए? सिर्फ साल भर के लिए इतना ही? और कंपनी के वसीयत के बारे में क्या लिखा है? मिस्टर मित्तल के 50% का एक हिस्सा कॉर्पोरेट ट्रस्ट को जाएगा, और उसकी देखभाल एक बोर्ड ही कर सकता है उनकी वसीयत के अनुसार। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और क्या क्या लिखा है वसीयत के बारे में? अगर मिस्टर मित्तल के कोई भी खून के रिश्तेदार होते तो सारी प्रॉपर्टी उनको मिलती, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मिस्टर मित्तल की सारी प्रॉपर्टी उनकी पसंदीदा उसी कॉर्पोरेट ट्रस्ट को दिया जाएगा। ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। यह तुम्हारे सौतेले पिता की आखिरी इच्छा थी। और क्या लिखा है? पिछले साल मिस्टर मित्तल ने 100 करोड़ की एक LIC की पॉलिसी ली थी, लेकिन मुझे ऐसा डर है अगर उनका कोई खून का रिश्तेदार नहीं है तो सारी की सारी LIC की प्रॉपर्टी भी उसी ट्रस्ट को चली जाएगी, तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ, सिर्फ 25 लाख रुपए मिलेंगे मुझे? बहुत सारे लोग 25 लाख रुपए में भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजार लेते हैं। मिस माया, मेरा कहना है कि आप भी इसी में राजी हो जाओ, इसी में आपकी भलाई है। जी शायद आप सही कह रही हैं। मिस माया, मैं आपके सारे पेपर्स कल तैयार करके रखूंगी, कल आप कोर्ट आ जाइए और जज के सामने साइन कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू, बाय। हेलो, बोलो अनिल। हाँ लूसी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। देखो मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी मित्तल के बारे में। कैसी जानकारी, आखिर बात क्या है? वैसे बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कौन? सर वो आदमी पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर सही बोल रहा हूँ, वो आदमी पकड़ा गया। कौन था वो? सर वही आदमी जिसे हम तलाश कर रहे थे। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके सर। ऑर्डर ऑर्डर, ये सब क्या है? सर मुझे कुछ आपसे कहना है। हाँ बोलो। मित्तल को मेरी माँ ने लिखा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी जन्म के बाद 1991 की बात है, मेरी माँ मित्तल के ऑफिस में काम किया करती थी। ये नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। पहले तो मिस्टर मित्तल उससे बात तक नहीं करते थे, एक बेगैरत की तरह नजरअंदाज करते थे। मगर एक शाम सब कुछ बदल गया, वो उनके ऊपर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। फिर कुछ हफ्ते बाद
उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उसी दिन उन्होंने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मित्तल उनसे क्या करवाना चाहता है। वो उनके गले की लटकी तलवार की तरह थी। यह सब बकवास है। एक इज्जतदार आदमी की इज्जत पर सिर्फ और सिर्फ टिचड़ी उछाला जा रहा है, उसके अलावा कुछ। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांत हो जाइए, पहले इनकी बात सुनने दीजिए, बोलिए। सर अभी भी मुझे उस बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। जब वो बाहर चली गई, तब मैंने उसका सामान देखा, तब मुझे वहीं पे मुझे ये चिट्ठी मिली थी। मिस तानिया, आपका और मिस्टर मित्तल का डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। यस सर। ये सब बकवास। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाओ, बाकी कार्रवाई कल होगी। अच्छा, तो इस लाश का डीएनए टेस्ट करना है? हाँ बिल्कुल सर। आपकी तारीफ। मेरा नाम है अनिल, मैं मिस्टर मित्तल का इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ये है मेरा कार्ड। मिस्टर अनिल, शायद मिस्टर मित्तल आपके खास फ्रेंडों में से एक रहे होंगे। रहे होंगे नहीं, थे। इनकी 100 करोड़ की पॉलिसी मैंने ही करवाई थी, अब ये 100 करोड़ का फंदा मेरे ही गले आकर पड़ेगा। लाश को देखकर लगता है कि डीएनए टेस्ट में काफी समय लगेगा। ये तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर डीएनए टेस्ट होते ही आप मुझे फोन कर लीजिएगा। जरूर फोन कर। ओके थैंक्स, चलता हूँ, बाय। जाने मन, तुम इतना चिल्लाती क्यों? मेरा एक काम करोगी? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे डैड के पास मेरे कुछ पैसे बाकी हैं, वही वसूलने आया। अगर उसने 2 दिन में मेरा पैसा नहीं दिया ना, तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देना, समझ गई? डॉक्टर राहुल, क्या आप डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लाए हैं? यस सर। लाइए, मुझे दीजिए। क्या आप इस डीएनए टेस्ट से संतुष्ट हैं? इसमें लिखा है इस तरह, मिस्टर मित्तल और मिस्टर तानिया का डीएनए टेस्ट लिया गया है, वह इस तरह से है, जो अब मैच हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर मित्तल ही तानिया के पिता हैं, और वसीयत के अनुसार मिस्टर मित्तल की सारी प्रॉपर्टी तानिया को सौंपी जाएगी। कोर्ट इज अर्जेंट। हेलो तानिया माया, कहाँ हो तुम? अरे ये सब छोड़, वो इंश्योरेंस ऑफिसर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। देखो तानिया, तुम फिकर मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? तुम कुछ मत सोचो, बस बैठ के तमाशा देखो। तानिया, अब आएगा मजा खेल का। हेलो मिस माया, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आपको तंग करने वाला मुजरिम पकड़ा गया। सच में? थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। ओके बाय, टेक केयर माया। ओके सर, बाय। वाइन बहुत महंगी है यार। तुम्हें पता है ना मैं इसके काबिल हूँ। तुम्हें पता है क्या, जो आदमी हमारी इंक्वायरी कर रहा था हा? वो पकड़ा गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ये पुलिस वाले भी नहीं यार, सारा केस एक साथ सुलझाने में लगे हुए हैं। पता है ना, खैर वो जाने आओ। ये मामला भी कर फिक्र छोड़ो, पैसा बैंक में आने से पहले हम अब इसे भी रास्ते से हटाना होगा। हेलो मैम। कौन हो तुम? मेरा नाम अनिल है, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। मिस्टर, अगर तुम मित्तल के 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो गलत है, यहाँ आना बेकार है, कुछ जान पाना मुश्किल है। मिस्टर, अब मुझे जाना होगा। कल रात बहुत अच्छी गुजरी।
अगर घर में इतने महंगे शराबों का कलेक्शन हो तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने बहुत पहले एक बात सीखी थी, जो जितना सीधा दिखता है उसमें उतने ही पेंच होते हैं। होगा होगा। मित्तल के मर्डर में जरूर इन दोनों का ही हाथ है। मुझे गहराई तक जाना होगा। तानिया, 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 तुम्हें पता है वो इंश्योरेंस वाला आया था। तो यहाँ क्यों आई हो? अगर हमें किसी ने देख लिया तो? मित्तल के बारे में और पूछ रहा था वाइन कलेक्शन के बारे में भी। तो कहीं वो पुलिस के पास तो नहीं गया? अरे वो पुलिस वाले के पास क्यों जाएगा, उसके पास क्या सबूत है? अगर उसे सबूत मिल गया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। मेरी जान, तुम अपनी नन्ही सी जान को तंग मत करो और टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। डॉक्टर, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए, क्या पूछना है? मिस्टर मित्तल की हेल्थ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी उम्र 52 साल की थी, पर लो कोलेस्ट्रॉल, दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ये सब कैसे हो सकता है? मुझे भी तो इसी बात का अफसोस है कि वो आदमी अब जिंदा नहीं रहा। एक और बात डॉक्टर। यस। किसी इंसान की सेहत पर एक छोटे से फीवर का इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? हर फीवर का एक इफेक्ट होता है, दिल का दौरा, कफ, अदरवाइज कभी कभी आंखें भी जा सकती और कभी कभी नपुंसक भी, ये भी हो सकता है। एक सेकंड के लिए अगर मान लिया जाए कि मिस्टर मित्तल नपुंसक थे तो? नहीं, ये मैं मान नहीं सकता क्योंकि मैंने चेक किया था। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि मिस्टर मित्तल की रिपोर्ट बिल्कुल बेदाग है। ठीक है, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। ओके, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग, मुझे तानिया से बात करनी ही पड़ेगी। ये एजेंट तो बाल की खाल निकाल रहा है। हेलो। हेलो, कौन? क्या बात है माया? कौन बोल रही है? तुम लोग हमारे ऑफिसर के साथ गड़बड़ कर रहे हो। कौन बोल रही है? ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ बोलो। उस आदमी का पता चला? कुछ तो गड़बड़ है। तानिया, 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 अरे कहाँ हो तुम? तानिया, तानिया। तुम? हाँ मैं। आए हो? वो इंश्योरेंस एजेंट बाल की खाल निकालने पे तुला है। तुम भी ना मुझे फंसवा के ही रहोगे। सही कहा, अब मैं इससे ज्यादा झेल नहीं सकता। ये मर्द सब ऐसे ही होते हैं, डरपोक, निकम्मे। झेल नहीं सकते? खेल तो सकते हो ना? की भूख कभी खत्म नहीं होगी ना। वैसे भी तुम कुछ करते तो हो ही नहीं, जब देखो तब। हेलो तानिया, बोलो क्या बात है? हेलो माया, वो राहुल है ना, वो घबरा गया है। हा? क्या यार, वो इंश्योरेंस वाला कुछ पूछताछ कर रहा था। लेकिन वो घबरा कर कुछ गलती तो नहीं करेगा ना? अरे बिल्कुल कर सकता है यार, उसे रास्ते से हटाना ही होगा यार। क्या मतलब? देख तू ऐसा वैसा कुछ मत करना। तो समझते क्यों नहीं यार, हमने उसे कोई हिस्सेदार नहीं बनाया था। फिर भी हमें कुछ करने से पहले सोचना होगा। देख तो कुछ मत कर, बस बैठे बैठे ना तमाशा देख। ओके बाय। हेलो डॉक्टर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। मिस्टर मित्तल की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उनकी उम्र 52 साल की थी और उनके दिल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लो कोलेस्ट्रॉल, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल बेदाग थी। इसी बात का तो अफसोस है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बात और पूछूं, किसी इंसान के सेहत के ऊपर फीवर का क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या वो नपुंसक? फीवर का इफेक्ट तो बहुत तरीकों से होता है। दिल का दौरा पड़ सकता है, कफ हो सकता है, या आँखें खराब हो सकती हैं। इसका कोई
खास उपाय नहीं है। अच्छा सॉरी, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। मैं अभी चलता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। जरूर, कभी भी। हेलो अनिल सर, मेरे डैड के इंश्योरेंस का क्या हुआ? अच्छा, वो मर्डर केस वाला? हाँ। मैं पता करता हूँ, अभी बड़े ऑफिसर यहाँ पे नहीं है। जैसे भी होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं आपका काम जल्द से जल्द मैं करवा दूंगा। अगले हफ्ते आप मुझे फोन कीजिएगा, ओके? तानिया जी, यहाँ साइन कर दीजिए। और एक साइन यहाँ पे। लो, हो गया। आपको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है? नहीं नहीं, शुक्रिया, मेरे लिए 3 ही चेक काफी है। अब तो तानिया, तू तो करोड़ों की मालकिन बन गई। हेलो माया। हाँ तानिया, बोलो। अरे, मेरे हाथ में 300 करोड़ का चेक क्या? है। सच? तुम नशे में तो नहीं हो ना? तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सुनो, हमें और एक काम करना है। कौन सा काम? रात को राहुल से भी मिलना है ना। देख यार, तू कुछ कर मत बैठना, मुझे डर लग रहा है। अरे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डरपोक कहीं की। तानिया, ये तानिया यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तानिया, 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 कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे सताओ मत। तानिया, 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 कौन कौन हो तुम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था तानिया। अच्छा हो तुम यहाँ आ गई। प्लीज चलो चलो, अब चलते हैं। तुम बहुत प्यारी हो यार, सच में बहुत प्यारी हो। तुम्हें मालूम है ना, हम लोग राहुल के साथ यहाँ मजा करने आए थे। तुम ऐसा कुछ मत करना, वो ऐसा नहीं है। ये क्या है? हटाओ, हटाओ इसे। मेरी जान, ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत अच्छी है। और आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ, समझी? पकड़ो इसे, ध्यान से पकड़ो, ठीक है ना? हाँ, अब इसे इसे ऐसे दबाओ, यहाँ से और ऐसे घुमाओ। अब धीरे धीरे इसे इस छेद में डालो। वेरी गुड। अब इसे ऊपर उठाओ, उठाओ और मारो। अरे यार, बच गया वो। तानिया, तानिया रुक जाओ, तानिया, तानिया कुछ मत करना, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। राहुल, कहाँ भाग के जाओगे? रुको राहुल, वरना मैं गोली मार दूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ, तानिया, रुक जाओ राहुल, कुछ मत करना उसे। आ गया, प्लीज तानिया, तानिया प्लीज, रुक जाओ तानिया, तानिया रुक जाओ, तानिया रुको, तुम समझ क्यों नहीं रही हो तानिया? मुझे बड़े बड़े खाब दिखा के मुझे ही मारने का प्लान बना रही हो? नहीं राहुल, छोड़ दो मुझे, नहीं राहुल छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो राहुल? प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं राहुल छोड़ दो मुझे। चल चल जल्दी निकल, चलते यहाँ से। कुछ नहीं किया, मुझे तो बहुत डरो मत, मैं हूँ ना। अब हम इस चक्कर से कैसे निकलेंगे? कुछ अच्छा सोचो मेरी जान। अब क्या सोचूं? अरे तुम टेंशन मत लो, सब बराबर होगा। वैसे
तुम्हारी माँ की लाश नहीं मिली है अभी तक। उनकी मौत के बारे में कुछ सोचना होगा यार। उनकी मौत ऐसे बेकार नहीं जानी चाहिए ना। वो तो है, नहीं जाएगी। कोई आ रहा है। हाँ? घबरा मत, मैं हूँ ना, डोंट वरी। मैं सब कुछ संभालूंगी। तू एक काम कर, तू इस लाश को ठिकाने लगा, मैं देखती हूँ कौन है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अनिल, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? ऑफिसर, अगर तुम्हारे थाने में मैं एक मर्डर का केस करूँ तो? मर्डर? हाँ। किसका? डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल? हाँ। मानना पड़ेगा तान्या एंड माया, प्लान बहुत ही अच्छा था, वाकई अच्छा था। मगर तुम्हें मालूम नहीं कि सही सही होता है और गलत गलत। मगर अब क्या? तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? तुम्हें मालूम है, एक ऐसा पेड़ होता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। इंसान के खून तक को उसकी जड़ें खींच लेती हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? 50-50। पागल हो गए हो? एक और नादानी। हेलो डीजे। अच्छा, रुको रुको। फोन करता हूँ। तुम्हें इंश्योरेंस में से आधा हिस्सा मिल जाएगा। मुझे इंश्योरेंस में से आधा नहीं, प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। हाँ डीजे। सर दोपहर को मिल सकते? नहीं, दोपहर को नहीं, रात को 9 बजे मिलते। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। माया, माया, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभालूंगी। तुम ये इंश्योरेंस का काम कब से कर रहे हो? 12 सालों से। 12 साल से? 12 साल से काफी माल कमाया होगा ना, ऐसे केस सॉल्व करके? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? सच में बहुत ईमानदार हो। ठीक कहा तुमने। फिर अभी अचानक तुमने इरादे क्यों बदल लिए? इन 12 सालों में ना जाने मैंने कितने पैसे दिलाए हैं, अमीरों को और अमीर होते देखा है। पैसे मिलते ही लूले लंगड़े नाचने लगते हैं, पर अब मेरा वक्त है। मेरा बॉस हमेशा मुझे ही निकालने की फिराक में। तो क्या वसूली का इरादा है? ठीक कहा तुमने, 12 सालों से मैं उसूलों पे चलता रहा, लेकिन अब वसूली का टाइम है। मुझे भी पैसा चाहिए, मैं क्यों पीछे आ रहा हूं? अच्छा, बहुत दिनों बाद आखिर में मुझे मेरा टक्कर का खिलाड़ी मिल ही गया। मुझे मत मारो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं। तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिलेगा, पर काम होने के बाद। कौन सा काम? इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। मैं सब करने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज। पुलिस है। माया चुपचाप बैठी रहो, कुछ गड़बड़ मत करना। कुछ नहीं। क्या सोच रही हो तुम? मेरे से होशियारी हट गई ना? मेरा नाम माया है, माया।
मैं जा रही हूँ। माया, माया, माया तुम कहाँ जा रही हो? माया ये क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। माया, माया, माया मेरी बात सुनो। माया, माया। Yes? मुझे इमरजेंसी घर पर फोन करना है, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? जी, ये लीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैं माया बोल रही हूँ। हाँ माया बोलो। ऑफिसर गाड़ी में लाश है, और ऑफिसर गाड़ी का नंबर क्या है? और गाड़ी का नंबर है MH01BA3143। ओके ठीक है माया, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी सबसे पहले मैंने अपने सौतेले बाप को ठिकाने लगाया, फिर तानिया और उसके बॉयफ्रेंड को भी मैंने रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो बीच में बहुत टांग अड़ा रही थी, और उसके बाद मैंने डॉक्टर राहुल को भी अपने रास्ते से हटा दिया, फिर बचा वो इंश्योरेंस एजेंट अनिल। मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी? उसे भी मैंने तानिया के खून में फंसा कर रास्ते से हटा दिया। इस तरह से मैं अपने बाप के पूरे प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बन गई, और मेरा मकसद पूरा हुआ।